भाई देख रहे हैं कितना वीआईपी टोल टैक्स लग रहा है। अरे भाई भारत बेंच की गाड़ी। भाई दोस्तों टाटा मोटर आ चुके हैं, आज गाड़ी भरने का कोई उम्मीद नहीं है भाई, घूमे रहो टाटा मोटर, घूमो अशोक लीलैंड, घूमो जहाँ भी घूमो अंदर घूमते हैं। तो टाटा मोटर आ चुके हैं, ये देखिए भाई टाटा मोटर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, माता पिता भाई बहनों को सभी लोगों को नमो बुद्धा टासी दिले, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और भाई दोस्तों इस समय अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप लोगों को लेके चलते हैं अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर एंड महिंद्रा एजेंसी। आप लोगों को टाटा एजेंसी महिंद्रा सबकी गाड़ियां दिखाते हैं और आप लोग तब तक बने रहिए अपने वीडियो में, चलते हैं आगे एंजॉय करते हुए। दोस्तों ये देखिए हमारा दोस्त कभी एजेंसी लीलैंड एजेंसी में घुमा रहा है, कहीं घुमा रहा है भाई, आज गाड़ी नहीं बनने देगा हमारी लग रहा है ये। अब लीलैंड एजेंसी में आ गए, अब कहता है टाटा मोटर चलते हैं, टाटा मोटर घूम के आते हैं, आज तो भाई गाड़ी नहीं भरनी मेरे को लग रहा है, मामला कैंसिल है। सेक्टर 58 में घूम रहे हैं भाई, स्कूटी तैयार हो रही है जाने के लिए 58। ओ टाटा मोटर आ चुके हैं, ये देखिए भाई टाटा मोटर। ये गेट रहा, ये सामने बोर्ड रहा, भाई आज दोस्त हमारा घुमा रहा है, गाड़ी तो नहीं भरने दे रहा भाई। भाई दोस्तों टाटा मोटर आ चुके हैं, आज गाड़ी भरने का कोई उम्मीद नहीं है भाई, घूमे रहो टाटा मोटर, घूमो अशोक लीलैंड, घूमो जहाँ भी घूमो अंदर घूमते हैं। दोस्तों एजेंसी में आ चुके हैं और हमारा सेठ तैयार है गाड़ी लेने के लिए, आपका मन क्या है कमेंट में बताना, लेना है कि नहीं, गाड़ी दिखाएं आपको। भाई दोस्तों इस समय हम टाटा गाड़ी लेने के लिए आए हुए हैं और आप लोग देख ही रहे हैं कितनी एकदम नई नई गाड़ियां खड़ी हैं, और भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इधर ये छोटी गाड़ी वगैरह भी खड़ी हुई हैं टाटा मोटर में, आप लोग देख ही रहे हैं। छोटी गाड़ी तो मैंने आप लोगों को बहुत दिखाई, अब मैं 12 टन वाली 13 टन वाली आप लोगों को गाड़ी दिखाते हैं। गाड़ी है 1916 12 टन में है भाई, डबल केबिन, और ये सिंगल केबिन है, ये भी 1916 ही है, ये सिंगल केबिन में है। ये चेचिस हैं भाई दोनों, ये देख रहे हैं, और भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम सब कुछ है अंदर से। तो टाटा में तो घूम लिया हूँ, लीलैंड में भी घूम लिया हूँ, टाटा में जा रहे हैं भाई महिंद्रा एजेंसी भी घूम के आते हैं, आज गाड़ी नहीं भरना भाई, आप लोगों को गाड़ी दिखाना है और जौन सी आप लोगों को गाड़ी पसंद है वही गाड़ी आपको दिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ सारी एजेंसियों में अपनी जानकारी है, जितना भी हेल्प होगी हो सकता है मैं आपकी उतना ही हेल्प करवाएंगे। पुलिस वाले खड़े हैं रोकेंगे तो नहीं? नहीं, अपनी तरफ से आपके लिए पूरी हेल्प करवाएंगे। फिलहाल भाई पहुँचते हैं एजेंसी में, तब तक आप लोग बने रहिए। भाई दोस्तों ये देख रहे हैं भाई भारत बेंच एजेंसी में आ चुका हूँ, ये भारत बेंच की गाड़ी खड़ी है, और भी उधर गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, बोर्ड तो नहीं दिख रहा है भारत बेंच का, खड़ी भाई भारत बेंच की गाड़ी, भाई बीच में बैठा हुआ है, ले ले भाई ले ले, मिठाई खाने को मिलेगी। दोस्तों महिंद्रा की गाड़ी देखकर आ चुका हूँ एजेंसी में और टोल टैक्स पर आ चुका हूँ, भाई देख रहे हैं कितना वीआईपी टोल टैक्स लग रहा है। महिंद्रा की गाड़ी देख के भाई कैसी लगी? भाई बहुत बढ़िया गाड़ी लगी है, अगर आपको लेना चाहे तो प्लीज कमेंट में करना, भाई सस्ती दिलवाएगा मैगी। भाई साहब एकदम सस्ती गाड़ी है, जो जायज रेट जितना कम से कम होगा उतना कम से कम करेंगे। भाई गाड़ी देख के आ चुका हूँ, हम दोनों भाई एक एक लेंगे, फिलहाल तो कोशिश ये है और सस्ती से सस्ती जितने की हो सके मिलेगी, सबसे सस्ती मिलेगी। तीन एजेंसी में घूमा हूँ, तीनों में आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया हूँ, और भाई थोड़ी देर में मैं अपनी गाड़ी के पास पहुँचेंगे, उसके बाद में वीडियो एंड करेंगे, तब तक आप लोग वीडियो देखिए और लास्ट तक देखिए, गाड़ियाँ देखिए कैसी देखने को मिली है आप लोगों को। बस थोड़ी देर में पहुँचते हैं गाड़ी के पास, तब तक के लिए बोलेंगे। और भाई सारी एजेंसियाँ घूम कर आ चुका हूँ अपनी गाड़ी में, कैसी लगी आप लोगों को? टाटा की लीलैंड की तो नहीं दिखाया, पर लीलैंड एजेंसी में ही गया था, शोरूम नहीं गया, गोदाम नहीं गया, और टाटा मोटर की एजेंसी में आप लोगों को गाड़ी दिखाई, 15-12 भी दिखाई, 1916 दिखाई 12 टन में, सिंगल केबल में, डबल केबल में, और आप लोगों को और भी गाड़ियां मैंने दिखाई, कैसी लगी आप लोगों को टाटा की गाड़ी? और उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को महिंद्रा की LCV 22 फीट गाड़ी दिखाई, चेचिस थी,
जिसी में फोटो वगैरह खींचे थे वही मैं आप लोगों को दिखाया। और कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट में बताएं, और किस किस जगह से आप लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट में बताएं। और भाई इस भाई के लिए कोई गलती हो इस भाई से तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ करें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आपके पास नए नए वीडियो आ सकें। और भाई ये वीडियो इस समय यहीं पर ख़त्म करेंगे। माता पिता भाई बहनों को सभी लोगों को नमो बुद्धाय, टासी दले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।